हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अध्याय संख्या 13 और स्कंद संख्या 10, अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 54, 10.13.54। सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रस मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्य अपि हि उपनिषद दृशां। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्र एक रस मूर्तयः अस्पृष्ट भूरि महात्म्य अपि ही उपनिषद दृशाम। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्र एक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्म्य अपि ही उपनिषद दृशाम। सत्य शाश्वत ज्ञान, ज्ञान से युक्त, अनंत असीम, आनंद आनंद से पूर्ण, मात्र केवल एक रस सदैव स्थित, मूर्तयः स्वरूप अस्पृष्ट भूरि महात्म्य जिसकी महिता महिमा छू तक नहीं जाती, अपि भी क्योंकि उपनिषद विषाम उपनिषदों का अध्ययन करने वाले ज्ञानियों द्वारा, अनुवाद पढ़ता हूँ, श्री प्रभुपाद द्वारा, वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श नहीं कर सकते थे। तात्पर्य पढ़ता हूं। केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने में सहायता नहीं मिल सकती, जिन पर भगवान की कृपा होती है वही उन्हें समझ पाता है। उपनिषदों में मुंडक उपनिषद 3.2.3 में इसकी व्याख्या की गई है। नान्यमात्मा प्रवचने न लभ्यो ना मेधसा न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वणेतु तेन लभतस्य एष आत्मा विमुह्यते तनुस्त्वाम्। परमेश्वर की प्राप्ति ना तो दक्ष व्याख्याओं द्वारा, ना ही विशाल बुद्धि द्वारा, ना ही अधिक श्रवण करने से होती है। ये तो उसे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म का एक वर्णन है, सत्यम ब्रह्म आनंद रूपम। ब्रह्म परम सत्य तथा पूर्ण आनंद है। यद्यपि विष्णु अर्थात परम ब्रह्म के स्वरूप एक थे, किंतु वे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त थे। किंतु उपनिषदों के अनुयायी ब्रह्म द्वारा प्रकट नाना रूपों को नहीं समझ पाते। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म तथा परमात्मा को केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में की है। भक्त्या हे मे ब्रह्म के दिव्य स्वरूप की स्थापना हेतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्रों में विविध उद्धरण देते हैं। शिवताश्वर उपनिषद 3.8 में ब्रह्म को आदित्य वर्णम तमसह परस्तात्, जिसका स्वरूप सूर्य के समान ज्योतिमान तथा अज्ञान के अंधकार से परे है। आनंद मात्रम अजरम पुराण एकम संतम बहुधा दृश्यमानम। ब्रह्म आनंद पूर्ण है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। वे सबसे पुराने होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते, वे एक होते हुए भी अनेक रूपों में अनुभव किए जाते हैं। सर्वे नित्यः शाश्वतः न देहास न तस्य परमात्मनः। उन परम पुरुष में सभी रूप शाश्वत हैं। महावराह पुराण, परम पुरुष का रूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, लेकिन उनके हाथ पांव भौतिक नहीं होते। भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म अथवा कृष्ण का स्वरूप रंच भात भी भौतिक नहीं होता, प्रत्युत ब्रह्म दिव्य स्वरूप वाले हैं। और जब कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक उनमें लीन होता है तभी वह उन्हें समझ सकता है। प्रेमान जो अनुच्छेद भक्ति विलोचने न, किंतु मायावादी इस स्वरूप को नहीं समझ सकते क्योंकि वे इसे भौतिक मानते हैं। एक बहुत लंबा प्रपट है,
अभी इतना समझ लेते हैं, बाकी फिर इसके बाद। यहाँ चर्चा आ रही है कि वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महिता महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते। समस्त विष्णु मूर्तियां चर्चा आ रही है, समस्त विष्णु मूर्तियां क्या मूर्तियां हैं, ये चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। भगवान जब अपने आप को प्रकट करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, तो या उनके अवतार होते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, नटशेल में, शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप को तीन रूपों में समझा जा सकता है। नंबर एक, स्वयं रूप, उनकी पर्सनल फॉर्म, मतलब जिस स्वरूप में वो है उसी स्वरूप में वो विराजमान है। तद एकात्म रूप, फॉर्म डिफरेंट है पर स्वयं है, मतलब भगवान स्वयं है परंतु उनका जो साकार स्वरूप है वो डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। और तीसरा है आवेश रूप। आवेश रूप का मतलब है एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा स्वरूप जिसमें कि वो प्रवेश कर गए हैं, उस स्वरूप को हम शक्त भी साकार भी कहते हैं। अब आती है चर्चा कि भगवान जब द्वारका के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर है, 16,108 फॉर्म्स के अंदर है, 16,108 रानियों के साथ लीला करने के लिए, हर एक्सपेंशन सेपरेट है, भगवान सेपरेट इंडिविजुअल हैं, तो ऐसे स्वरूप को कहते हैं प्रभाव। मतलब भगवान का स्वरूप प्रभावमय। और जब कृष्ण जो है अपने आप को रसा डांस में, रास नृत्य में प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं रास नृत्य में, या जैसे यहाँ जो है उन्होंने वो बालकों के रूप में, बच्चों के रूप में अपने आप को एक्सपेंड किया है, ये भी कहलाता है प्रभाव एक्सपेंशन। ये भी प्रभाव स्वरूप है, वो भी प्रभाव स्वरूप है। तो भगवान के जो स्वरूप हैं वो प्रभाव हैं, वैभव प्रकाश है, वैभव स्वरूप है, उसके बाद प्रभाव प्रकाश है, फिर वैभव प्रकाश है, बहुत सारी चर्चाएं हैं। हम उन चर्चाओं के डिटेल में न जाके आज के पर्पट के अंदर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि समस्त विष्णु मूर्तियां, रूपा जी बहुत सुंदर पर्पट लिखते हैं, बहुत सुंदर पर्पट लिखा है इसका, बहुत एक एक चीज जो है वेल एक्सप्लेन। जैसे कि अभी तक जो मैंने पढ़ा उसके अंदर कहा जा रहा है कि किंतु मायावादी इस स्वरूप को नहीं समझते क्योंकि वे इसे भौतिक मानते। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जो इस वक्त बछड़े हैं, जो बालक हैं, उनको तो मैं गुफा में छुपा आया हूं, यहां पर कैसे हैं ये, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मा जी के मन के अंदर ये बात आ रही है कि कुछ गड़बड़ है। तो जब वो ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं कि ये गोप बालक और ये बछड़े सारे विष्णु मूर्तियां हैं, अर्थात भगवान ने अपना जो है एक्सपेंशन किया है, अपने आप को असंख्य रूपों में ढाला है, जिससे कि वो बछड़े और बालकों के रूप में दिखाई दे। यहां प्रश्न आया है मायावादी। मायावादी का अर्थ यह है कि जो भगवान के शरीर को माया से बना मानता है। माया मीन्स जो प्रकृति के अंश है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, उनके विषय, जो इस स्वरूप को मानता है
जो ये मानता है कि भगवान ने अगर नराकार रूप दिया है, भगवान ने अगर नर का स्वरूप धारण किया है, तो उनका शरीर भी हमारी तरह ही है, जैसे कि हमारा, जैसे हमारा स्वरूप जो है वो नराकार है, ऐसे ही भगवान का स्वरूप जो है नराकार है, परंतु हमारा स्वरूप माया का है तो उनका स्वरूप भी माया का है। ये बात उनके विचार है। बट यहाँ चर्चा आ रही है कि भगवान परम पुरुष सभी रूप में शाश्वत है, अर्थात भगवान है, और उनका स्वरूप जो है वो दिव्य है। सत्यम ब्रह्मानंद रूपम, यहाँ जो ब्रह्म शब्द जो है इस परपट में इस्तेमाल हुआ है, भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है, ब्रह्म ज्योति के लिए, क्योंकि तो यहाँ जो है इसके अंदर लिख रहे हैं कि भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म तथा कृष्ण का स्वरूप रंच मात्र भी भौतिक नहीं होता, ब्रह्म अथवा कृष्ण। मतलब यहाँ जो है वो बाजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब ब्रह्म शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कृष्ण। आत्मबोधनी में शब्द आते हैं, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णु, ब्रह्मण्यो ब्रह्म, ब्रह्म को मतलब वहां पर जो है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति नहीं माना गया, ब्रह्म का मतलब है भगवान कृष्ण। ब्रह्मण्यो देव की पुत्र, अर्थात देव की पुत्र ही ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भगवान, देव की पुत्र ही भगवान। तो यहां पर जो है चर्चा आ रही है कि भगवान को समझना है, केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने में सहायता नहीं मिल सकती, और उल्लेख आया श्लोक के अंदर उपनिषदों का। जब हम वेदों की व्याख्या पढ़ते हैं तो वेदों में जो है हर वेद का जो अंत है उपनिषद है, वेदांत कहते हैं। हर उपनिषद के अंदर जो है भगवान की जो स्थापना करी गई है, भगवान को जो स्वीकार किया गया है, भगवान को जो एक्सप्लेन किया गया है, वो भगवान के निराकार स्वरूप को एक्सप्लेन किया, मायावाद को नहीं, निराकार। निराकार का मतलब है कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, तो ये स्वरूप जो है वहां स्वीकार किया। तो बिगिनिंग जो है भक्ति की आरंभ होती है भगवान को निराकार स्वरूप को स्वीकार कर, कि भगवान हर जगह उपस्थित है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं भगवान जो हर जगह उपस्थित है अपनी शक्तियों के रूप में, भगवान हर जगह उपस्थित है हमारी दृश्य से, हमारी हमारी इंद्रियों से परे, चिंत है हमारे चिंतन से परे, हम उनको अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते। परंतु यहाँ आ रही है चर्चा कि जैसे जैसे उपनिषद आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उपनिषदों के अंदर ज्ञान की एडवांसमेंट होती है, जैसे कि यहाँ चर्चा आ रही है महाभारत पुराण की, कृष्णोपनिषद, महाउपनिषद, गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद, नरसिंह तापनीय उपनिषद, इन सब उपनिषदों के अंदर जब चर्चा आती है तो भगवान के सगुण और साकार रूप को स्थापित किया गया। बिगनिंग निर्गुण निराकार स्वरूप से होती है, और जैसे जैसे उपनिषद एडवांस करते हैं तो भगवान को सगुण और साकार रूप में स्थापित किया। अब कहते हैं कि ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते। ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अर्थात जब ज्ञान योग में आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति करने से हृदय में शुद्धि आती है। ज्ञान की प्राप्ति से हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय होता है। जब हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है तब आप जो है भगवान पे ध्यान लगा पाते हो, भगवान को समझ पाते हो, भगवान को जान पाते हो। और कैसे जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति उस ज्ञान के द्वारा भक्ति में लगता है, उस ज्ञान के द्वारा भक्ति में लगता है, और जब भक्ति में लगता है तो फिर ज्ञान के माध्यम से भक्ति आई, और भक्ति के माध्यम से भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है। यही बात जो है प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि ब्रह्म तथा परमात्मा को केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, और उसकी पुष्टि जो है भागवत में की गई है, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, कि
मतलब आप जो है ग्रहण करते हैं, भक्त ही भगवान के स्वरूप को ग्रहण कर पाता है। यही बात जो है भगवद गीता में कही गई है 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्त्या मम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को जान पाता, भक्त ही मुझे समझ पाता। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, मैं कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। बहुत सुंदर बात है, भगवान को ईर्ष्या रहित होकर, भगवान को श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा आपकी किसी में तभी बनती है जब आप उसको समझ पाते हैं, उसको जान पाते हैं, उसके बिना श्रद्धा नहीं बनती। भौतिक संसार के अंदर भी किसी के प्रति आप श्रद्धा तभी रखते हो जब आप उसको जान पाते हो, उसको समझ पाते हो। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप भगवान को समझ लेते हो, भगवान को समझ लेते हो तो भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। जब भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है तो फिर भगवान से ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं है। फिर आप भगवान को समझ लिया, ईर्ष्या रहित हो गए तो कर्म के बंधन से मुक्त हो। तो यहाँ जो है फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म आनंद पूर्ण है, उसमें दुख का क्लेश। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंद विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। पदम गच्छन्ति अनामयम् अर्थात मेरे धाम में जीव आ जाता है। कौन? बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को भक्ति के द्वारा इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करते हैं या जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया। तब वो मेरे पास आके उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो अवस्था समस्त दुखों से परे है, माना अनामयम। आमय का अर्थ होता है कष्ट, दुख, तकलीफ, टेंशन, परेशानी, कुंठा। अनामयम का मतलब है जब दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, कुंठा नहीं है, मतलब किसी प्रकार की कोई दुख और कष्ट, वो भगवान का धाम है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, यहाँ जो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, कि भगवान के धाम में जाकर ही आनंद मिलता है, ब्रह्म आनंद पूर्ण है, उसमें दुख का क्लेश मात्र भी नहीं। ये बात हम भगवद गीता के माध्यम से समझते हैं, ये बात हम भागवत के माध्यम से समझते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि परम पुरुष का रूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, मतलब भगवान जो है सगुण है और साकार। अब निर्गुण और निराकार कहा जाता है, सगुण और साकार कहा जाता है। निर्गुण का मतलब यह है कि भगवान जो है तीनों गुणों से लिप्त नहीं है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान तीनों गुणों के अधीन नहीं है। निर्गुण मीन्स इन गुणों से परे हैं, अर्थात भगवान जो है इन तीनों गुणों के धीश हैं, अर्थात स्वामी, तीनों गुण उनसे ही प्रकट होते हैं। तो भगवान गुणाधीन नहीं है, भगवान गुणाधीश हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। भगवान को सगुण कहा जाता है, सगुण का मतलब है कि भगवान के अंदर जो गुण है, जैसे कि यहाँ कहा प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कि मायावादी इस दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते। भगवान को समझना है क्योंकि उनकी जो यहाँ पे इसके जो अनुवाद आया है उसमें चर्चा आ रही है कि ज्ञानी जन भी उनकी महिति महिमा का स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान की महिमा का स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान के गुण क्वालिटीज, भगवान का रूप, भगवान का विस्तार, किसी भी चीज को जो है ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, भक्ति के द्वारा समझा जा सकता। साकार और निराकार, निराकार का मतलब ये होता है कि भगवान का आकार नहीं होता, परंतु ओम पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, पूर्ण व्यक्ति कब होता है? हम कहते हैं दिन, दिन का मतलब है रात और दिन मिला के पूर्ण होते हैं,
रात और दिन बढ़ाते हैं। पूर्ण का मतलब ये है कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। यहाँ पूर्ण का मतलब है निराकार भी है और साकार भी है। तो निराकार किस रूप में है? भगवान अपनी शक्तियों के। इस कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट साकार है और रोशनी निराकार। ट्यूबलाइट रोशनी नहीं है, रोशनी ट्यूब नहीं है, रोशनी ट्यूब से आ रही है। यही बात जो है ईशोपनिषद के 15वें मंत्र के अंदर भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, अपने मुख मंडल के आगे से किरणों का आवरण हटाइए जिससे मैं आपके मुख मंडल के दर्शन कर सकूं। तो भगवान के अंगों की जो कांति है वो तो उनके मुख मंडल को, उनके शरीर को ढके हुए है, इसलिए हमें दिखते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं भगवान निराकार। सब जगह उपस्थित है निराकार, परंतु भगवान साकार है, बिल्कुल उनके हाथ और पांव है। और बात परंतु एक इसमें प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि उनके हाथ और पांव भौतिक नहीं होते, क्योंकि तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि वो हमारे जैसे नहीं होते। अब हम चलते हैं पर्पट के अगले पैराग्राफ। भगवान के साकार दिव्य रूप इतने महान हैं कि उपनिषदों के निर्विशेष अनुयायी उन्हें समझने के लिए ज्ञान के उस पद तक नहीं पहुंच सकते। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप वो निर्विशेष वादियों की पहुंच के परे होते हैं जो उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम ब्रह्म पदार्थ नहीं है और सीमित शक्ति के द्वारा बंधा है। तो यहाँ जो है जब हम पढ़ेंगे चतन चरतामृत पढ़ते हैं, इसके अंदर भगवान के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान के साकार दिव्य रूप इतने महान हैं कि उपनिषदों के निर्विशेष अनुयायी जो भगवान को विशेष नहीं मानते, निर्विशेष मीन्स भगवान को विशेष नहीं, जैसे हम वैसे वो ये मानते हैं, अर्थात भगवान को विशेष नहीं मानते, उन्हें समझने के लिए ज्ञान के उस पद तक नहीं पहुंच सकते। मतलब जो हाईएस्ट लिमिट ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करते 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 ज्ञान की प्राप्ति भी कब होती है? जब कृपा होती है भगवान की। जब भगवान कृपा करते हैं तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो बुद्धिहीन हो जाती है। भगवान ने क्या कहा? निशाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक तदामी बुद्धि युगम तम ये नामो बयान, कि जो निरंतर मेरे भजन में लगे रहते, निशाम सतत युक्ताना निरंतर प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ और उस दिव्य बुद्धि को प्राप्त करके वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर मेरे काम आ सकते हैं। मतलब उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको दिव्य बुद्धि चाहिए और दिव्य बुद्धि जो है भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप उन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे होते हैं जो उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम ब्रह्म मतलब भगवान पदार्थ नहीं है और वह किसी लिमिट में नहीं है, किसी शक्ति से नहीं बंधे, कोई शक्ति उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही। वो तो सब शक्तियों के स्वामी हैं, वो तो सब शक्तियों को कंट्रोल करते, कोई उन्हें कंट्रोल नहीं करता। यद्यपि कृष्ण का दर्शन उपनिषदों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, किंतु कहीं कहीं ऐसा किया है कि इस विधि से वस्तुतः कृष्ण को जाना जा सकता है। उपनिषदम पुरुषम, ये उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर मनुष्य को भक्ति ज्ञान में प्रविष्ट होने दिया जाता है। मद भक्ति लब्धे पराम, जैसे कि मैंने आपसे पहले चर्चा कर कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तब आप जो है आगे बढ़ पाते। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान के द्वारा समझते हो कि भगवान को कैसे जानना है, कैसे मानना है, कैसे स्वीकार करना है, तो उसके बाद जो है फिर आप भक्ति में आते हो। जब भक्ति योग में आते हो, मन वश में कर दिया, इंद्रियां वश में, यानी ये नॉलेज गेन करता है कि मन को कैसे वश में करना है, ध्यान योग के द्वारा इंद्रियों को कैसे वश में करना है, इंद्रियों को डाइवर्ट करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। जब ये सारी बातें आ जाती हैं तो वो भक्ति में प्रवेश करता है।
वैदिक ज्ञान से, जैसे मैंने बताया कि हृदय शुद्ध होता है, वैदिक ज्ञान से शुद्धता आती है, फिर भक्ति जो है उसको ज्ञान, उसको भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है तत्सद्धारा मुनियो ज्ञान भैरवाग्र युक्तया पश्यन्तात्मनि चात्मनम भक्त्या शुद्ध प्रहितया। एक जिज्ञासु अथवा मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से भरी भांति युक्त होता है, वह परम ब्रह्म की अनुभूति वेदांत श्रुति द्वारा इससे सुनी हुई भक्ति करता है। भागवत 1.2.12 शुद्ध ग्रहित या सूचक है वेदांत ज्ञान का, किसी भावना या अनुभूति का नहीं, शुद्ध ग्रहित गंभीर ज्ञान होता है। शुद्ध ग्रहित अर्थात जो ज्ञान आपने श्रुति से प्राप्त किया, परंपरा से सुन के प्राप्त किया है, जो एक गुरु परंपरा है, जो ज्ञान की परंपरा है, जिसके द्वारा आप जो है उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब आपको भगवान का एहसास होता है, तब आपको भगवान की समझ आनी शुरू होती है, तब आपको समझ में आता है कि भगवान कौन। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि एक नव दीक्षित भक्त भगवान के आगे, भगवान के अष्ट विग्रह के आगे खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करता है, यह भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। वो अष्ट विग्रह को भगवान स्वीकार नहीं करता, वो भगवान के दर्शन चाहता। परंतु जो भक्त एडवांस हो चुका है, प्रोग्रेस कर चुका है, वो अर्च विग्रह को भगवान स्वीकार करता है, वो अर्च विग्रह के सामने उनके दर्शन करता है, पांव से लेके सर तक, पांव से स्टार्ट करता है, सर तक पहुंचता है, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपने अपने दर्शन देके मुझे कृतार्थ किया, अब आप मुझे अपनी सेवा में लाए। अब वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो भक्ति का प्रारंभ ज्ञान से होता है, चाहे एक लाइन का ज्ञान हो, आवश्यक नहीं कि उपनिषद पढ़े आवश्यक नहीं है, ग्रंथ पढ़े आवश्यक नहीं है, ये किया आवश्यक नहीं है, वो किया, एक लाइन से क्या चीज जरूरी है, श्रद्धा नंबर एक, उत्कंठा नंबर दो। हम लोग छोटे थे, बचपन में थे, राजस्थान में कथा प्रचलित है धन्ना जाट, बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी उसको समझाने के माध्यम से मैं आपको दोबारा से कथा सुनाता हूँ कि एक गांव के अंदर जो है एक ब्राह्मण देवता शालिग्राम की पूजा करते हैं। काला पत्थर है शालिग्राम, काला पत्थर मानते लोग, भक्त नहीं मानते, भक्त उन्हें शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप मानता, परंतु साधारण व्यक्ति जो है काला पत्थर मानता, गंडकी नदी में पड़े रहते हैं, सैकड़ों हजारों पत्थर पड़े हुए, तो इसका भाव है, परंतु भक्त का भाव है कि शालिग्राम भगवान विष्णु है, भगवान है। अब वो पूजा करते थे, नहलाया, स्नान करवाया, उसके बाद उनको सजाया, उसके बाद फूल अर्पण किए, माला अर्पण करी, फिर भोग लगाया। तो एक गांव का जाट था, वो रोज देखता था, तो उसने एक दिन उससे कहा, पंडित जी ऐसा है कि मुझे भी दे दीजिए काला पत्थर, मुझे भी दे दीजिए ये काला पत्थर, मैं भी आप ही की तरह इसकी पूजा किया करूंगा। तो भाई काला पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम है, अच्छा मुझे भी दीजिए। पंडित जी ने अपने झोले में से एक शालिग्राम निकाले और जाट को दे दिए, बोले देख, नहलाना, स्नान करवाना, तैयार करना, फूल अर्पण करने, माला अर्पण करनी, तिलक लगाना, सजावट करना, फिर भगवान को भोग लगाना, उसके बाद प्रसाद खाना। समझ में आ गई बात, घर चला गया, बिल्कुल विधि पूर्वक जैसे पंडित जी ने बताई थी ए टू जेड करता रहा कार्य। करते करते जो है जब देखा भगवान को उसने भोग लगा दिया है, सात्विक भोग है, प्याज लहसुन के बिना है, कोई निषिद्ध पदार्थ उसके अंदर नहीं है, और भोग लगाने के बाद पर्दा खींच दिया उसने और बैठ गया, भगवान खा ले तो उसके बाद मैं घर को जन्म।
पर्दा हटा के देखता है नहीं खाया, फिर पर्दा हटा के देखता है नहीं खाया, सुबह से शाम हो गई नहीं खाया, रात बीत गई अगला दिन आ गया नहीं खाया, 3 दिन बैठा रहा अब भगवान ने खाया ही नहीं, गुस्सा आ गया, कहता है मेरी आंखें कुलबुला रही है, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, तुम खा नहीं रहे हो, या तो खाओ नहीं तो मारो, मारो भगवान को पकड़ो। भाव देखा भगवान, भाव देखा कैसा भाव है भक्त का, कि मैं वो साकार सगुण सब समझ रहा है कि मैं खा लूंगा, मुझे पत्थर नहीं माना, पत्थर लेके आया था और पत्थर नहीं माना, उतना सा ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना सा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, और उतने के ज्ञान की प्राप्ति से भगवान प्रकट हो गए। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान जो है भक्ति के अंदर भाव चाहिए, भाव कि कैसा आपका भाव है जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते, भगवान आपको जो है आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। कई बार हमने कथा सुनाई है फिर सुनाते हैं, एक भक्त है जिसके पास कुछ नहीं है, भिक्षा मांग के लाता है, हथेली में रोटी रखता खा लेता है, कोई बर्तन नहीं है घर में, कुटिया नहीं घर में, द्वार नहीं बाहर नहीं, कुछ नहीं, पर भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता, महात्मा जी से मिला, महात्मा जी से कहने लगा मुझे भगवान से दर्शन करा दे, महात्मा ने कहा भगवान के दर्शन करना है तो पूजा करो, सेवा करो, अर्चना करो, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पूजा मुझे करनी नहीं आती, सेवा मुझे करनी नहीं आती, अर्चना मुझे करनी नहीं आती, वंदना मुझे करनी नहीं आती, पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं तो मैं कैसे करूँ। बोले फिर क्या करोगे, बोले आप गाइड करो मैं क्या करूँ, बोले फिर ऐसा करो तुम जो है मन से भगवान की सेवा करो, मन से खीर बनाओ, मन से मालपुए बनाओ, मन से रोटी बनाओ, मन से सब्जी बनाओ, मन से दाल बनाओ, मन से चूल्हा जलाओ, मन से अग्नि जलाओ, सब कुछ मन से करो, भगवान को। तो भक्त जो है मन से ही ये चूल्हा बन गया, ये अग्नि लकड़ी लगा दी, ये आग लगा दी उसके अंदर, ये पतीला रख दिया, ये करछी घुमा दी, ये दूध डाल दिया, ये चावल डाल दिया, ये खीर डाल दिया, तो मन से सेवा करता, रोज सेवा करता। बहुत दिन बीत गए, एकदम मन आया कि भगवान को भी पानी पिला दिया जाए, तो उसने जो है लोटा लिया, चीनी एक मुट्ठी डाली, दो मुट्ठी डाली, तीन मुट्ठी डाली, फिर सोचा ये जो चीनी है ये ज्यादा हो गई लगती है, ये चीनी ज्यादा हो गई लगती है, क्या करूं, एक मुट्ठी निकाल ले, तो उसने लोटे में हाथ डाला, एक मुट्ठी लोटा तो है नहीं, अब कहां डालेगा, लोटा तो है नहीं, मन से हो रहा सारा काम, तो एक मुट्ठी चीनी बाहर निकालता, तो भगवान ने आगे हाथ पकड़ दिया, भगवान प्रकट हो गए। बोले कैसे प्रकट हो गए, बोले आप बताएं कि तुम इसके अंदर तुमने कौन सा खर्चा किया है, तुमने चीनी डाली इसके अंदर, कैसा खर्च हुआ तेरा कुछ, या नहीं तो मैं ज्यादा मीठा पी लेता, मुझे क्या फर्क होता, तो भाव था ज्यादा मीठा ना हो जाए, आज भगवान को ये खिलाना है और भगवान को ये खिलाना है, तो भगवान उसके भाव से प्रकट हो, तो उतना सा ज्ञान, ज्ञान उतना ही मिला पर हृदय शुद्ध हो रहा है, भगवान से मिलने की उत्कट अभिलाषा है, किसी वजह से भगवान को मिलना, थोड़ा सा ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त होता है तो हृदय शुद्ध होता है, तो हृदय शुद्ध होता है तो फिर व्यक्ति भक्ति में लगता है, भक्ति में लगता है तो फिर भगवान की प्राप्ति। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु सत्य ज्ञान तथा आनंद के आधार, सच्चित आनंद, वे तीन तीन स्वरूपों से युक्त हैं, उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गौओं पशुओं तथा दड़कों जो विष्णु को प्राप्त किए हुए हैं वे किसी योगी या देवता में निहित विशेष शक्ति के प्रदर्शन नहीं है, विष्णु मूर्तियों के रूप में ये गौएं पशु तथा बालक विष्णु माया का प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु, भगवान अपनी माया का अपनी ओपनेस का प्रदर्शन नहीं कर रहे, साक्षात विष्णु हैं, इसलिए कि प्रेम है, ये बछड़े और बालक तो ब्रह्मा जी को लेसन देना है, ज्ञान देना है, शिक्षा देनी है, और नंबर दो सब लोगों को शिक्षा देनी है कि देखो भाई ब्रह्मा जी के मन में भी भ्रांति आ सकती है, भ्रम आ सकता है, आपके मन में भी भ्रम आ सकता है, और तीसरा कि जो गाँव वाले हैं, जो जो ब्रज के वासी हैं, जो मेरे से प्रेम करते हैं,
उनके हृदय में दुख ना कि बच्चे गायब हो गए, गौवें गायब हो गए, बछड़े गायब हो गए, दुख नहीं होना चाहिए। तो उस दुख शोक में उनमें नहीं आने देना चाहता, इसलिए भगवान ने अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट किया। विष्णु तथा विष्णु माया के क्रमिक गुण अग्नि तथा उष्मा जैसे है, उष्मा में अग्नि का गुण है कि वे अग्नि नहीं है, बछड़ों गौओं तथा बालकों के रूप में विष्णु स्वरूपों के व्यक्ति उष्मा के तुल्य नहीं अपितु अग्नि के तुल्य है। मैं सच में विष्णु बता रहे हैं कि जैसे एक लकड़ी ली जाती है तो लकड़ी के अंदर जो है अग्नि होती है, और जब अग्नि जलाते हैं तो उसमें जो है उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी भी होती है और रोशनी भी होती है। अब उष्मा में अग्नि का गुण है, मतलब अग्नि अपने गुण के रूप में गर्मी के रूप में प्रकट होती है, परंतु गर्मी अग्नि नहीं है, अग्नि डिफरेंट है और गर्मी डिफरेंट है। तो बछड़ों गौओं तथा बालकों के रूप में विष्णु स्वरूपों के व्यक्ति उष्मा के तुल्य नहीं अपितु अग्नि के तुल्य। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, यहाँ यह मत समझिएगा कि जैसे अग्नि से उष्मा प्रकट होती है ऐसे भगवान से प्रकट हो गए, नहीं, वो स्वयं विष्णु है सारे, स्वयं अग्नि अर्थात स्वयं विष्णु है सारे, वो जो है अग्नि के तुल्य है सचमुच विष्णु को। यथार्थ रूप में विष्णु को सच्चिदानंद विग्रह है। दूसरा उदाहरण भौतिक पदार्थों से दिया जा सकता है जो तो कई रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। इस तरह सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु पात्रों में दिखने वाले प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। आप जल के 6 बर्तन रख दीजिए, 10 बर्तन रख दीजिए, तो आपको हरेक के अंदर जो है सूर्य की छवि दिखाई देगी, परंतु वो सूर्य नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। परंतु यहाँ जो है चर्चा क्या आ रही है कि यहाँ हम इनको प्रतिबिंब नहीं मानते, कि जो इतने गौवे हैं, इतने बछड़े हैं, इतने सभी प्रतिबिंब नहीं, साक्षात विष्णु है, साक्षात एज इट इज, कोई फर्क नहीं। इन प्रतिबिंबों का सूर्य का वास्तविक प्रकाश तथा उष्मा नहीं रहते, सूर्य की बात ही दिखाई देता है, किंतु कृष्ण ने जितने सारे स्वरूप धारण कर रखे थे सबके सब विष्णु थे। इस बात को बार बार एम्फसाइज किया जा रहा है कि भगवान किस तरह अपना जो है प्रभाव दिखाते हैं, किस तरह प्रभाव रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। हमें चाहिए यथासंभव हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करें, जिससे यह हर बात स्पष्ट हो सके, क्योंकि भागवत समस्त वैदिक वांग्मय का सार है। निगम कल्पोत्तरगरोतिरिक्तम बलम, इसे व्यास देव ने तब लिखा जब वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे महामुनि कृते। अतः हम भागवत का जितना भी अध्ययन करेंगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा, इसका प्रत्येक श्लोक दिव्य है। भागवतम को जो है अमूल पुराण कहा जाता है, इसमें स्पॉटलेस, इसमें कोई दोष नहीं, इसीलिए कहा है भगवान भागवतम के अंदर लिखा है व्यास देव जी ने नष्ट प्रायेशो अदृश्यो नित्यम भागवत से है। भागवत का नित्य जो है वर्णन करना चाहिए, भागवत को नित्य जो है सुनना चाहिए, भागवत को नित्य जो है पढ़ना चाहिए। देखिए दो बात की एक बुक है लाइट ऑफ विस्डम, उसके अंदर जो है बहुत बढ़िया चर्चा आ रही है कि अगर आप भगवान कृष्ण को जानना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो प्रेम तभी प्राप्त करेंगे पहले उनको समझेंगे, पहले उनको जानेंगे, पहले उनको पहचानेंगे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी तो आप प्रेम डेवलप करोगे। तो प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो आपको भगवान के प्रेम की अनुभूति कराता है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बाद, पर अगर आपको भागवत को समझना है, भागवत के ज्ञान को समझना है, भागवत के ज्ञान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए ग्रंथ है भगवद गीता। जहां भगवान ने कहा सर्वधर्मा प्रत्येकम मानवतम शरण, सब प्रकार के धर्म का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण,
मतलब वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई मेरी शरण में आ जाओ, तो शरण में कैसे आना है इसकी चर्चा जो है भागवत के माध्यम से हुई है, अलग अलग भक्तों की लीलाओं से, अलग अलग स्तुतियों से, अलग अलग भक्तों की लीलाओं से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि आपको भगवान को समझना कैसे, आपको भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त करना। इसीलिए चर्चा आती है कि हमें भागवतम का जितना अध्ययन करेंगे ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता जाएगा, उतनी ही बात समझ में आती जाएगी, उतनी ही पोजीशन क्लियर होती जाएगी, उतना आपके माइंड में बात आ जाएगी कि मैं भगवान को कैसे समझूं, भगवान को कैसे जानूं, भगवान को कैसे पहचानूं, भगवान है कौन। पहचानने का मतलब है भगवान है कौन, ये तो जानने का प्रयास करें कि भगवान कौन है। इसलिए भागवतम का प्रत्येक श्लोक देते हैं ट्रांसेंडेंटल है, क्यों कि व्यास देव जी ने जो रचना करी है, व्यास देव जी कौन है ये बात समझिए। मत्स्य पुराण के 53वें अध्याय के अंदर 91 से लेकर 110 श्लोक तक इन सब की चर्चा हुई, जहां मत्स्य भगवान जो है कहते हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूं और सारे के सारे पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का, वेदांगों का, उपवेदों का संकलन करता हूं। फिर वो पृथ्वी पर जो है वो प्रकाशित होगा। प्रकाशित होने के दो तरीके हैं, एक है प्रकाशित होना ग्रंथ के रूप में, लिखित रूप में आ जाना, लिपि बद हो गया। दूसरा प्रकाशित होने का मतलब है मन में प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब आपके हृदय में प्रकाशित हो गए, हृदय में जब प्रकाशित हो गए तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर आपने उसको आगे दिया और गुरु परंपरा करनी शुरू हो गई, ज्ञान की परंपरा। आज इतना ही शेष, फिर हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु।